असलम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश पर वैलकम कहती हूँ हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर दैट इज़ हार्ड टाइम्स बाई चार्ज डिक्स ये हमारा लेक्चर नंबर टू है लेक्चर नंबर वन के अंदर हम हमारे इस नॉवल का इंट्रोडक्शन कवर कर, कर चुके हुए हैं और उसके अंदर हमने बात की थी कि इसके की इफेक्ट्स क्या है नावल के इसके टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है इसके इम्पोर्टेंट थीम्स कौन से हैं एंड इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है ये सब कुछ मैं डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ और अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना मैं रिकमेंड करूँगी पहले आप वो सुन लें क्योंकि वो हमारा फाउंडेशनल लेक्चर है वो इस नावल को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बेस है ठीक अगर आपने वो लेक्चर सुना होगा तो आपको इस नावल की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छे से हो जाएगी एंड इसके अलावा मैंने चार्ल दिगंस इनके ऊपर भी एक सेपरेट लेक्चर बनाया है एज अ राइटर इसमें जितने भी इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इं इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं मैं उनको कवर कर चुकी हूँ तो आप वो भी लेक्चर सुन लीजिएगा क्योंकि आपको अगर राइटर का पता होगा उसके स्टाइल का पता होगा तो नॉवल की अंडरस्टैंडिंग में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी सर चार्ल्स डिकेंस एज अ राइटर और हार्ड टाइम्स का इंट्रोडक्शन ये दोनों लेक्चर्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी आप वहाँ से इन लिंक्स को इन लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं एनी हाउ टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारा आज का लेक्चर है विच इज़ क्रिटिकल समरी लेक्चर नंबर टू है हार्ड टाइम्स का करते हैं शुरू हार्ड टाइम्स में हमारे पास जो करैक्टर सामने आने वाले हैं वो है थॉमस ग्रैड ग्रिंट का करैक्टर मिस्टर जोसिया बाउंड्रेबी का करेक्टर है लोईसा का करेक्टर है टॉम का करैक्टर है सीसी का करेक्टर है स्टीफन ब्लैकपूल और रिचाइल और जेम्स हार्थहोस और मिसेस स्पर्सट ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं इनके बाद काफ़ी माइनर करेक्टर भी होंगे लेकिन ये मेन करेक्टर हैं इसके अंदर जो थॉमस क्रेड ग्रिड है बेसिकली वो स्टोरी के अंदर एक मेल रोल प्ले कर रहे हैं किस तरह से मेन रोल इस तरह से कि वो यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी को प्रमोट कर रहे हैं यानी ऐसी फिलासफी जो कि फैक्स की बात करती है जो फीलिंग्स इमोशंस को निगेट करती है और क्योंकि नावल जब विक्टोरियन एज में लिखा गया था तो विक्टोरियन एज में जो फिलोसफी पीक पे थी वो यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी थी और साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी उस टाइम पे पीक पे था क्लियर तो अब थॉमस ग्रेड ग्रिट जो है वो एक यूटिलिटेरियनिज्म है सॉरी यूटिलिटेरियनिस्ट युटिल, है जो कि वो फिलोसफी प्रमोट करते हैं कि फैक्ट सब कुछ होती है कैलकुलेशन सब कुछ होती है इमोशंस और फीलिंग्स मैटर नहीं करते ये इनकी बात करते हैं ठीक है इनके स्ट्रिक्ट फैक्ट ड्रिवन सुपरिटेंडेंट है एक कम्युनिटी स्कूल के सेकंड है हमारे पास मिस्टर जोसिया बाउंड्रेबे अभी बाउंडर का करेक्टर भी इम्पोर्टेंट है ये थॉमस ग्रेड ग्रेंड के फ्रेंड हैं ये भी एक यूटेरिटलिस्ट है ये भी यूटिलिटेरियनिज्म की फिलासफी को प्रमोट करते हैं यूटिलिटेरियनिस्ट होने की बेस पे अगेन जिस तरह के मिस्टर ग्रैडग्रन uh, का कैरेक्टर था ये भी सेम करेक्टर है यानी कि इनके नज़दीक भी इमोशंस की फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है ये भी फैक्ट्स एंड कैलकुलेशंस की बात करते हैं ठीक है परफेक्टली डिवॉइड ऑफ सेंटीमेंट पर्सन है ये इनके पास एक फैक्ट्री भी है बैंक भी है बैंक के ऑनर है बहुत ही रिच इंसान इन, है ये फिर लुइसा लुइसा बेसिकली वाइफ है थॉमस ग्रैडग्रिन की और इनकी शादी होती है बाउंड्रबे से लुइसा और बाउंड्र बे के अंदर एक बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है ये यूटिलिटेरियनिज्म को प्रमोट नहीं करती ना उस फिलोसफी को मानती हैं ये एक आइडियलिस्टिक और इमेजिनेटिव गर्ल है लुइसा बाउंड्री से शादी क्यों करती है अपने भाई टॉम के लिए ताकि टॉम का फ्यूचर सिक्योर हो जाए बाउंड्री में उसको जॉब दे दे और फर्दर मोर जो इसके फादर थॉमस ग्रेडेंट है वो लुइसा को फोर्स करते हैं लुइसा को कहते हैं कि तुम बाउंड्री uh, से शादी कर लो ताकि वो टॉम को एक अच्छी जॉब दे दे तो इसी बेस पे वो बाउंड्री बेस से शादी करती है ठीक फिर है हमारे पास थॉमस ग्रेडब्रिंट जो कि लुइसा का ब्रदर है लुइसा सिर्फ और सिर्फ अपने भाई टॉम से बहुत प्यार करती है थ्रू आउट द स्टोरी लुइसा की तरह टॉम भी एक इमेजिनेटिव पर्सन है लेकिन लुइसा को और टॉम को उनके फादर जो थे थ्रू एंड थ्रू फैक्ट्स बेस इंफॉर्मेशन देते थे और नॉलेज देते दे थे और कहते थे कि अपनी इमेजिनेशन को सप्रेस कर दो इमेजिनेशन आइडियलाइजेशन ये कुछ नहीं होता वो इनको भी इफेक्ट यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी ही सिखाते रहते थे जिस पे पर तो टॉम है उसकी इमेजिनेटिव स्किल्स सप्रेस कर दी गई थी किसने की थी उसके फादर ने की थी हम स्टोरी में देखेंगे कि थॉमस जो जो टॉम है वो थॉमस ग्रैंड का एक तो बेटा है दूसरा वो अप्रेंटिस है बाउंड ब्रेक उसके बैंक के अंदर तीसरा ये गैम्बलर बन जाता है ड्रंकर्ड हो जाता है और रॉबरी भी कमिट करता है फिर है सिसी जिसको ससीलिया इसका रियल नेम है सिसिलिया इसका नेम करेक्ट करता है थॉमस ग्रेड क्लास के अंदर सिसी जो है ये स्टूडेंट है ग्रेड ग्रिड के स्कूल में इसको इसके फादर ने छोड़ दिया था इसके फादर जो है वो सर्कस में काम करते हैं इसके फादर सर्कस में हॉर्स राइडिंग का काम करते हैं और जो ग्रैड हैं वो इस हॉर्स राइडिंग के प्रोफेशन को जो सर्कस के अंदर हॉर्स राइडिंग का प्रोफेशन है उसको रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन नहीं कंसीडर करता यानी हाँ फादर के छोड़ने के बाद जो ग्रैड ग्रेंड्स हैं इसको अपने साथ अपने घर में ले रख लेता है और ये उन्हीं के साथ रहती है और सीसी बिल्कुल अपोजिट दिखाई गई है ग्रेड ग्रेंड के व्यूज़ के अकॉर्डिंग यानी कि ग्रैड ग्रिंड जो है वो यूटिलिटेरियनिज्म को प्रमोट करता है तो ऑन द अदर हैंड ये उसका कंट्रास्ट है स्टीफन ब्लैकपूल जो कि वर्कर है बाउंड्रीबे की मिल के अंदर इसकी एक अल्कोहलिक वुमेन के साथ शादी होती है लेकिन ये रिचर्ल्ड को पसंद करता है रिचर्ल्ड जो है एक काइंड एंड ऑनेस्ट वर्कर है कहाँ पर पाउंड्रबे की फैक्ट्री में ही फिर जेम्स हार्थ हाउस एक क्राफ्टी मैन है जो कि पार्लियामेंट को ज्वाइन करना चाहता है और इसके अलावा ये लुइसा को सीड्यूस भी करता है फिर मिसेस सरपिस्ट सॉरी स्पर्स ये जो मिसेस स्पर्सट हैं ये हाउस कीपर हैं हा। है पाउंड्रबे की ये कुछ मेन करैक्टर थे अब जो हमारी समरी हम करते हैं शुरू मिस्टर थॉमस ग्रैंड ग्रेंड नावल की बिगनिंग इनके करैक्टर से होती है ये जो है एक रिजिट काइंड ऑफ एक्स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ पर्सन है जो कि अपने स्कूल के अंदर बच्चों को इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्ट्स के बारे में बताते हैं और इनका मानना ये कि जो फैक्ट्स है वही इम्पॉर्टेंस रखती है बल्कि इमेजिनेशन और इमोशन कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती और इनका यही मानना है कि बच्चों को फैक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाए और ये हर बच्चों को फैक्ट्स के बारे में पढ़ाते हैं अपने खुद के बच्चे लुइसा और टॉम को भी इनकी एक स्टूडेंट थी सीसी च्यूब सीसी च्यूब जो है ये एक स्लो लर्नर थी और ये स्लो लर्नर होने की बेस पे जो इनके आइडियाज थे उनको जल्दी समझ नहीं पाती थी सीसी जूब को उनके फादर ने अबेंडिन कर दिया था छोड़ दिया था और उनके फादर के छोड़ने के बाद मिस्टर ग्रैड जो है वो सीसी को अपने घर ले आते हैं और अपने बच्चों के साथ रखते हैं और अपने बच्चों के साथ रखने के साथ साथ वो उनको भी वही चीज़ सिखाते है जो अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं यानी कि सिस्टम ऑफ फैक्ट्स अब क्योंकि उनको जब सिस्टम ऑफ फैक्ट्स के बारे में सिखाया गया उनके इमोशनेशन इमोशन और इमेजिनेशन की जो स्किल्स थी उनसे वो स्नैच कर ली गई इस पेस पे वो दोनों यानी कि लुइसा और टॉम जो हैं वो डिफॉर्म्ड ह्यूमन बीग्स के तौर पे सामने आते हैं इनवर्डली नोट आउटवर्डली यानी कि अंदर से खोखले हो चुके हैं या अंदर से माजूर हैं क्योंकि उनकी इमेजिनेटिव स्किल्स को सप्रेस किया गया बार बार फैक्ट्स की बात करके बार बार उनको सिस्टम ऑफ फैक्ट्स के बारे में बता के जिस फेज पे उनको नहीं पता कि मोहब्बत क्या होती है उनको नहीं पता खुश कैसे होना है उनको नहीं पता कि वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं और अगर वो जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसमें कोई गलतियाँ हैं इनके साथ या नहीं है उनको कुछ नहीं पता कोई फीलिंग्स कोई इमोशन कोई इमेजिनेशन का एलिमेंट मौजूद ही नहीं है क्योंकि उनको सप्रेस किया जा रहा है फिर मिस्टर ग्रैंडग्रेंड रिक्वेस्ट करते हैं लुइसा से कि तुम जो है ना उसके ओल्डर फ्रेंड मिस्टर जोसिया बॉन्डरबे से शादी कर लो जो एक ब्लस्टरिंग मैन्यूफेक्चरर है कोक टाउन के अंदर कोक टाउन क्या है एक फ़िक्शनल प्लेस है फिक्शनल जगह जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है जहाँ पे इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं एक इंडस्ट्रियल टाउन लुइसा अपने फादर के कहने से बाउंड्रीबे से शादी के लिए तैयार हो जाती है इसलिए नहीं कि वो उसे मोहब्बत करती है सिर्फ इसलिए कि उसको लगता है कि अगर वो बाउंड्री बे से शादी कर लेगी तो वो टॉम की हेल्प करेगा जो टॉम है वो मिस्टर बाउंड्री बे का अप्रेंटिस होता है उनके बैंक में लुइसा सिर्फ़ और सिर्फ टॉम से प्यार करती है टॉम का ख्याल रखती है और इसी बेस पे टॉम जो है वो उसको परजुएट करता है उसको जोर देता है शादी के लिए और वो लुइसा जो है वो टॉम की खातिर शादी करने के लिए तैयार हो जाती है अब होता क्या है जब लुइसा की मिस्टर बाउंड्री पे से शादी हो जाती है फिर लुइसा और टॉम दोनों मिस्टर बाउंड्री पे के साथ रह रहे होते हैं ऑन द अदर हैंड सीसी जो है मिस्टर ग्रैंड मिस्टर एंड मिसेस ग्रैंड ग्र के साथ रह रही होती है और मिस्टर ग्रैंड गिड के साथ एक और बच्ची जिसका नाम जेन है वो भी होती है जेन बेसिकली लुइसा और टॉम की यंगेस्ट सिस्टर होती है तो अभी तक तो हमने जहाँ तक स्टोरी देखी है उसमें हमें क्या क्या नज़र आया यूटिलिटेरियनिज़म फैक्ट की बात की गई है इमोशंस को निगेट किया गया फीलिंग्स को निगेट किया गया यूटिलिटी की बात की जा रही है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पे जब हमने देखा कि मिस्टर बाउंड्री बे है उसकी इंडस्ट्री है उसकी मिल है वो एक बैंक का ओनर है और उससे प्रॉफिट मिलेगा किसको टॉम को, को प्रॉफिट मिलेगा किस बेस पे अगर लुइसा उससे शादी कर लेती है इवन कोक टाउन की बात की जाए तो वो भी एक इंडस्ट्रियल टाउन है इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन के सेंस में उसकी बात की जा रही है अब हम स्टोरी में थोड़ा आगे जाके देखते हैं कि मिस्टर बाउंड्री बे जो है अपने फैक्ट्री में वर्कर्स को हैंड्स कह के बात करते हैं यानी कि हाथ यहाँ पे आया नेगेटिव इफेक्ट हैंड क्या के बात करता है यानी कि हाथ मींस एक्सप्लोटेशन ऑफ वर्किंग क्लास एक्सप्लोटेशन ऑफ पीपल ऑफ़ लोअर रैंक वो लोग जो लोअर रैंक से बिलोंग करते हैं उनको एक्सप्लोइड किया जा रहा है इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और हमारे राइटर यहाँ पे यही एक्सपोज करना चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की नेम पे जो रूरल एरिया से आए लोग थे जो अर्बन एरिया की तरफ चले गए थे उनको एक्सप्लोइड किया गया था और यहाँ पर ये मैसेज कन्वे किया गया है अर्बनाइजेशन का कि लोग जो रूरल एरिया को छोड़कर अर्बन एरिया की तरफ गए थे क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा बन गई थी वहाँ पे उनको जॉब मिल जाए उससे उसके लिए इस बेस पे क्या हुआ उन लोगों को जॉब तो मिली लेकिन एक्सप्लोइ किया गया उनको लो वेजेस दिए गए ये भी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट की गई मीन्स थीम्स ऑफ अर्बनाइजेशन भी यहाँ पे है अर्बनाइजेशन का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स भी नज़र आता है हम लोगों को तो एनी हाउ टॉम और लुसा रह रहे हैं मिसेज मिस्टर बाउंडरबे के साथ और सीसी जो है सीसी और जेन ये दोनों मिस्टर एंड मिसेस ग्रैंडगंड के साथ रह रहे हैं अब मिस्टर बाउंड्रबे अपनी फैक्ट्री के जितने भी वर्कर हैं उनको हैंड्स कह के बुलाते हैं और वो वर्कर अपना काम करते हुए खुश नहीं है क्योंकि सब के सब जो हैं मिस्टर बाउंड्रबे के रूल के अंडर काम कर रहे हैं इनमें से एक फैक्ट्री वर्कर है स्टीफन ब्लैकपूल जो डेली फैक्ट्री में अपना काम कर रहा होता है और इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा होता और इसको एक और दुख होता है वो कौन सा है इसकी शादी इसकी जिस औरत से शादी हुई होती है वो एक अल्कोहलिक औरत होती है जो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करती है ये इसके साथ खुश नहीं है वो अपने आप को इस औरत से फ्री करना चाहता है और इसको एक लड़की पसंद इसका नाम है रेचाइल्ड एक स्वीट जेंटल वमेन है विलेज के अंदर ये उससे शादी करना चाहता है लेकिन ये उसके साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि इसकी ऑलरेडी शादी हुई हुई है इसीलिए यानी यहाँ पे रिलीजन का थीम भी आ गया कैथोलिक का कैथोलिक्स में ऐसा होता है कि अगर आपकी पहले शादी हुई है तो आप दोबारा शादी नहीं कर सकते ठीक तो ये दोबारा शादी नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड है अब इसके बाद क्या होता है क्योंकि चाहते हैं इसकी शादी ख़त्म हो जाए जिस औरत के साथ ये रह रहा है ये बाउंड्री बे के पास जाता है उनसे इस मैटर में हेल्प के लिए कहता है बाउंड्री में कहता है कि मैं तुम्हारी इस मामले में मदद कर तो दूंगा लेकिन इसके लिए एक वकील की जरूरत होगी और वकील के लिए तुम्हारे पास पैसे की जरूरत होगी तुम पैसा दोगे तो वकील तुम्हारे लिए काम करेगा लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है इसलिए तुम वकील का क्या करोगे इसलिए तुम्हारी लाइफ जैसे चल रही है उसको वैसे ही चलने दो मीन्स इस स्टेटमेंट में भी एक्सप्लोटेशन दिखाई गई अब यहाँ एक और पॉइंट बता दूँ स्टीफन ब्लैकपूल जो है ना वो फोर्टी ईयर्स का है लेकिन उसके ऊपर बर्डन इतना है उसकी लाइफ इतनी हार्ड है जैसे कि टाइटल इंडिकेट करता है हार्ड टाइम्स यही चीज़ यहाँ पे भी अपला हो रही है उसकी लाइफ इतनी हार्ड है इतनी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ रही है कि वो अपनी एज से भी ज्यादा बुरा दिखता है ठीक है लुक्स मच ओल्ड जिस बेस पे इसको निक नेम दिया हुआ लोगों ने ओल्ड स्टिफन का हालांकि ये बहुत इंटेलिजेंट है सोशल ग्रेस भी लगता है रखता है बहुत सिंपल पर्सन है और ये जो पावर लूम की बात की जाए वहाँ पे एक अच्छा वीवर भी है एक मैन ऑफ परफेक्ट इंटीग्रिटी है इसके अंदर मतलब इसके बारे में ये सब कुछ कहा गया बुक के अंदर लेकिन फिर भी इसको सफ़र करना पड़ रहा है इसको डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरना पड़ रहा है तो यहाँ पे इस स्टीफन ब्लैकपूल के करैक्टर के थ्रू एक तो हमारा टाइटल जो है उसकी सिग्निफिकेंस पता लग रही है कि हार्ड टाइम्स का मतलब क्या है कि जो लेबर्स हैं उनको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड के अंदर भी डिफिकल्ट फेज से गुजरना पड़ रहा है और दूसरा यहाँ पे साथ ही साथ हाईलाइट किया जा रहा है वर्कर्स की कंडीशन को

ताकि टॉम का फ्यूचर सिक्योर हो जाए और इसको फोर्स किसने किया था इसके फादर ने ऐसा ही था अब टॉम जो है वो मिस्टर बाउंड्रीब से इतना खुश नहीं है और फिर स्टोरी में ना मिस्टर जेम्स हार्ट हाउस आ जाते हैं जब मिस्टर जेम हार्ट हाउस आते हैं ना इस टाइम क्या होता है टॉम और जेम्स जो है वो बातें करना शुरू करते हैं जब टॉम्स टॉम और जेम्स बातें कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जेम्स टॉम को थोड़ी सी अल्कोहल देता है कुछ टुबैको देता है वो टुबैको और कोहल लेकर टॉम जो है वो लूज लिप्ट यानी कि अपनी बातें जो हैं वो जेम्स को बताना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं बाउंड्री बे को लाइक नहीं करता और कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वाह पर्सन जिससे लुइसा पसंद करती है जिसका लुइसा ख्याल रखती है और लुइसा ने सिर्फ और सिर्फ मेरी खाते बाउंड्री बे से शादी की थी ताकि मेरा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए यहाँ से जेम्स को पता लगता है लुइसा के बारे में अ पॉइंट मिस्टर जेम्स खुद कौन है ये बेसिकली जो मिस्टर ग्रैंड गिड थे ना लुइसा के और टॉम के फादर उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया था उन इंस्ट्रक्टर का नाम मिस्टर जेम्स हार्थ हाउस था ये एक वेल्दी पर्सन थे एक प्लीजिंग यंग जेंटलमैन थे उसके बाद ये वो पर्सन जो लॉजिक और स्टैट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड थे और ये बच्चों को भी ट्रेनिंग किया करते थे उनको भी इमेजिनेशन दूर रखा करते थे और ये बेसिकली एक पार्लियामेंट के मेंबर के भाई भी थे ये खुद भी पार्लियामेंट को ज्वाइन करना चाहते थे लेकिन एनी हाउ अभी ये कुछ एंटरटेनमेंट के लिए मिस्टर बाउंड्रब्बे के पास हैं और वहाँ पे उनके साथ काम करने लगे हैं अब जब मिस्टर बाउंड्रब्बे के साथ काम कर रहे हैं तो जिस जगह पे मैंने बताया आपको कि जेम्स और टॉम इकट्ठे थे टॉम ने अल्कोहल ली टबैको ली वहाँ पर मिस्टर बाउंडेबे भी थे लुइसा भी थी मतलब काइंड ऑफ एक पार्टी थी गैदरिंग थी तो उस जगह पे जब मिस्टर जेम्स को टॉम के थ्रू लुइसा के बारे में पता लगा तो मिस्टर जेम्स लुइसा की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे अब जब मिस्टर जेम्स को ये चीज पता लगी कि लुइसा टॉम की बहुत केयर करती है तो मिस्टर जेम्स ने लुइसा के पास जाके ये प्रटेंड किया कि वो टॉम के एक अच्छे दोस्त हैं अब मिस्टर जेम्स और लुइसा इकट्ठे टाइम स्पेंड करने लग पड़े इन्होंने सड्यूस किया फिर उसके बाद सडक्शन के बाद मिसेस पार्सट जो थी उनको बड़ा अच्छा लगा इनको इकट्ठे देख क्यों मिसेस पार्सट जो है वो पर्सन थी जो कि बाउंड्रीबे की शादी से पहले बाउंड्रीबे की कंपनी का ख्याल रखा करती थी उनके बैंक का ख्याल रखा करती थी लेकिन जब बाउंड्री बे की शादी होगी लुइसा से तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिसेस स्पारसट के पास थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास नहीं रही अब वो बाउंड्री बे के साथ मजीद नहीं रहती थी उनके घर के अंदर तो जिस बेस पे ये लुइसा से काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती होती थी तो इसीलिए मिसेस मिटर ने नज़रें रखना शुरू कर दी लुइसा के ऊपर और मिस्टर जेम्स के ऊपर फिर एक दिन क्या हुआ मिस्टर बाउंड्रीबे की जो फैक्ट्री थी उनके उस फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स थे वो थक चुके थे मिस्टर तो बाउंड्री बे की ट्रीटमेंट के साथ उनके कामों के साथ उन्होंने इकट्ठे होकर एक यूनियन बनाई और उस यूनियन के रेटर का नाम था स्लैग ब्रिज और जिस टाइम भी बात हो रही थी इस यूनियन को लेके उस टाइम पे स्टीफन भी वहाँ पे मौजूद था लेकिन स्टीफन जो है वो उनसे कहता है कि मैं इस यूनियन को ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने किसी से वादा किया हुआ है जब ये यूनियन को ज्वाइन करने से रिफ्यूज़ करता है तो जितने भी यूनियन के लोग थे वो इसके खिलाफ हो जाते हैं बाउंड्री बे के करीब जो है कानों में इस यूनियन के बारे में जाती है खबर बाउंड्री बे जो है वो स्टीफन को अपने पास बुलाता है उसे सवाल करता है लेकिन स्टीफन कोई भी आंसर नहीं देता जिस वजह से बाउंड्री बे जो है वो यूनियन सॉरी स्टीफन को फायर कर देता निकालता है जॉब से जब उसको जॉब से निकाल दिया, दिया गया तो लुइसा और टॉम जो है वो स्टीफन से मिलने के लिए जाते हैं उसको कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम जब ये टाउन छोड़ के जाओ तो ये पैसे अपने पास रख लो ताकि तुम्हारे काम आए और तुम नई जॉब ढूंढ सको अब इसके बाद टॉम जो है वो सीक्रेटली अकेले में जाके स्टीफन से कहता है कि तुम इस टाउन को छोड़ने से पहले ना बैंक के करीब आना तुम्हें वहाँ पर कुछ जरूर अच्छा मिलेगा स्टीफन ऐसा ही करता है लेकिन कुछ भी वहाँ पर होता नहीं है कुछ देर बाद क्या होता है बैंक इज़ रॉप्ड बैंक में चोरी हो जाती है अब बैंक में चोरी रहती है क्योंकि स्टीफन बैंक के पास था तो सबका शक स्टीफन के ऊपर जाता है तो उस तरफ स्टोरी में ऐसा होता है कि एक कॉन्फिडेंस के साथ जो लुइसा है उसके हस्बैंड आउट ऑफ टाउन होता है आउट ऑफ टाउन होने की बेस पे जो जेम्स है जेम हार्ट हाउस वो लुइसा से मिलने के लिए आता है उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है उससे कहता है कि तुम मेरे से भाग जाओ मेरे साथ मिलके भाग जाओ लेकिन लुइसा को कहते है कि वो उसको रात को कहीं मिलेगी मिसिस स्पर्सट जो है वो छुप छुप के लुइसा का पीछा कर रही होती हैं लेकिन जब वो लुइसा का पीछा कर रही होती हैं तो वो अपना जो ट्रैक था रास्ता था उससे हट जाती हैं तो वो लुईसा का पीछा नहीं कर पाती जब वो लुइसा को नहीं पीछा कर पाती तो वो फिर भाग के बाउंड्रीबे के पास जाती है और उनको बताती हैं कि तो तुम्हारी बीवी जो है ना वो हट से उसके साथ भाग गई है यानी कि जेंस के साथ भाग गई है और दूसरी तरफ लुसा जो है वो कहाँ पर होती है वो भागने की बजाय अपने फादर के घर में होती है अपने फादर से लड़ रही होती है और कहती है कि उसकी ज़िंदगी तबाह करके रखती है उसकी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी अनहैप्पीनेस है वो सबसे फादर आपकी बेस पे आई हैं आपकी टीचिंग ऑफ एजुकेशन की बेस पे आई हैं आपने मुझे जो फैक्ट्स की बातें सिखाई थी उसकी बेस पे आई हैं आपकी फैक्ट्स की टीचिंग ने जितने भी मेरे इमोशंस थे मेरे हार्ट की फीलिंग्स थी उन सबको सप्रेस करके रख दिया जो कि एक ह्यूमन एक्सिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और लड़ते हुए वो बेहोश रहती है और जब बेहोश होकर वो फ्लोर पर गिर रही होती है तो उसका फादर जो है वो डम स्ट्रक और पेनिटेंट फील करता हुआ उसको कैच करता है उसको पकड़ने की कोशिश करता है दूसरी तरफ जो सीसी है वो जेम्स को कहती है कि तुम कोकटाउन छोड़ के हमेशा के लिए चले जाओ लुइसा जो अब अपने फादर की तरफ ही रह रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रही होती है बाउंड्री पे वहाँ पे आता है जिसको इसके एलोपमेंट का पता लगता है लेकिन बाउंड्री पे यहाँ पे आके अपनी और लुइसा की सेपरेशन कर लेता है दोनों अलग अलग हो जाते हैं और दूसरी तरफ वो जो स्टीफन था अब उसकी ट्रेजेडी स्टार्ट होती है स्टीफन जो है उसके ऊपर इल्जाम लग चुका होता है उसको का उसके ऊपर रॉबरी का इल्जाम लगाया जाता है कि चोरी इसने की थी बैंक से क्योंकि जिस दिन टॉम ने उसको बैंक के करीब बुलाया था उस टाइम उस दिन बैंक से चोरी हो गई थी अब हुआ क्या कि उसके अब एक कोकडाउन जा रहा है अपना नाम क्लियर करने के लिए कि मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया गया जब वो जा रहा था तो उसका ओल्ड हेल शाफ्ट नाम का एक पिट था एक ग्राउंड था उसके अंदर वो गिर जाता है सीसी और रिचायर जो उसको वहां पे देखते हैं उसको वहां से ढूंढते तलाश करते और जो उस गांव के जिस पिट में गिरता है उस गांव के जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो इसको वहां से रेस्क्यू कर लेते हैं लेकिन जब इसको रेस्क्यू किया जाता है उस पिट से निकाल के ये कुछ देर बाद मर जाता है मरने से पहले रिचायल का जो हाथ है उसको पकड़ता है और पीसफुली सितारों की तरफ देखता है और साथ ही साथ ही मिस्टर ग्रेड से ये भी कहता है कि इसके नेम को क्लियर कर देना क्योंकि चोरी मैंने नहीं की थी ये जो बैंक के अंदर रोबरी कमिट हुई थी ये रोबरी टॉम ने कमिट की थी ये बात सुन के जब लुइसा को पता लगता है उसको बड़ा तकलीफ होती है इसके फादर को बड़ी तकलीफ होती है एनी हाउ सीसी ने जैसे कि पहले जेम्स को भगाया था कि तुम कोक टाउन से भाग जाओ वैसे बिल्कुल यहाँ पे वो टॉम को भी कह रही है कि तुम उसके फादर के ओल्ड सर्कस कंपनी में जाके छुप जाओ जहाँ से मिस्टर ग्रैडगिल्ड और लुइसा मिलकर तुम्हें कंट्री से बाहर भेज देंगे अब वो टॉम की हेल्प करना चाह रहे हैं लेकिन मिस्टर ग्रैड का एक ओल्ड स्टूडेंट जिसका नाम बिट्सर है जब उसको टॉम के स्केप का पता लगता है तो वो टॉम के पास आता है और वो रो उसको रोकता है क्यों क्योंकि उसको भी ब्रेन वॉश किया था एजुकेशन ऑफ फैक्ट्स ने वो एजुकेशन जो कि मिस्टर ग्रैड ग्रिंड ने खुद सिखाई थी अब वहाँ से जो बिटजर है वो टॉम को रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन जो सर्कस मास्टर है वो टॉम को भगा देता है वहाँ से बिट ब्रिटेर उसको रोक नहीं पाता अब टॉम सेव हो गया दूसरी कंट्री चला गया स्केब कर गया दूसरी तरफ जो जेम्स था वो भी स्केब कर गया स्टीफन की डेथ हो गई अब होता क्या है मिसेस स्पारसिट वो रिवील करती मिस्टर बाउंड्रीबे के बारे में वो कहती है मिस्टर बाउंड्रीबे जो है वो एक फ्रॉड है क्यों मिस्टर बाउंड्रीबे कहते थे मैं बहुत गरीब था मैंने बड़ी स्ट्रगल की मैंने स्ट्रगल करके अपने इस मिल्स का अपने आप को ऑनर बनाया इन को स्टैंड किया मैं एक सेल्फ मेड मैन हूँ क्योंकि और लेकिन वो बताती हैं कि नहीं ऐसा नहीं है इसने टाइम माँ बाप के बारे में भी झूठा बोला ये झूठ बोला ये एक फ्रॉड पर्सन है इसने कहा था मेरे माँ बाप बड़े क्रियल थे उन्होंने मुझे निकाल दिया था घर से तो हर कोई यही सोचता था कि मिस्टर बॉन्ड्रे भी जो एक सेल्फ मेड मैन है एट यंग एज हर कोई यही सोचता था मिसेस पार्श बताती हैं कि नहीं इसकी माँ बिल्कुल जिंदा है रिस्पेक्टेबल और पर्सन है वो बाउंड्री में जो भी बताया था झूठ बताया था तो यहाँ पे जो हार्श रियलिटी है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बाउंड्री के थ्रू वो भी सामने आती है कि जो uh, दिखता है वो होता नहीं है कि बाउंड्री पे एक बड़ा वेल इस्टिश पर्सन दिख रहा था एक रिच काइंड ऑफ पर्सन और ऐसे पर्सन जो के लाइक डेवलपमेंट लेके आने वाला, वाला सोसाइटी में अपने मिल्स अपने बैंक्स के थ्रू लेकिन ऑन द अदर हैंड वो एक ब्यूटल पर्सन था उसने ब्यूटल ट्रीटमेंट किया हर एक के साथ वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे प्रोस्परिटी नहीं आई बल्कि हर एक के साथ बुरा ट्रीटमेंट किया गया सोशल लेवल पे देखा जाए एक्सप्लोटेशन की गई जो लोअर क्लास के लोग थे जो वर्किंग क्लास के लोग थे उनके साथ अब इसके बाद होता है स्टोरी में कि जो मिस्टर ग्रैडग्रेंड है उनको तो सबक मिल चुका कि उन्होंने जो भी किया था अपनी लाइफ के अंदर फैक्ट्स के ऊपर बिलीव करके यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर बिलीव करके वो गलत किया था अब वो क्या करते हैं वो अपनी बाकी की जिंदगी फेथ होप और चैरिटी की तरफ गुजार देते हैं फैक्ट्स के बजाय लुइसा जो है वो दोबारा शादी नहीं करती और सिसी के साथ मिलके खुद के बच्चों का ख्याल रखते उसको हैप्पीनेस मिलती है और टॉम जो है वो घर से बहुत दूर होता है और उसकी घर से बहुत दूर डेथ हो जाती है जब वो डेथ बेड पे होता है तो उसकी जो हार्डनेस थी उस हार्डनेस के ऊपर काफ़ी रिपेंटेंस फील हो रही होती है वो हार्डनेस जो उसने अपनी फैमिली के साथ की उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिपेंटेंस फील कर रहा होता है और ये ये माफ़ी मांगते हुए दुख के साथ उसकी डेथ हो जाती है इसी के साथ जो स्टोरी है वो एंड होती है अगर हम लोग कंक्लूड करके बताएं तो बेसिकली हार्ड टाइम्स वॉज रिटन बाय स्टीम्ड इंग्लिश विक्टोरियन एरा ऑथर चार्ल्स टिक्स द वर्क वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द वीकली प्रोडोडिकल Weekly periodical known as Household Words from April to August of 1854, and then published in book format that same year. Hard Times is considered a dystopian satire of the Victorian era. Uh, Victorian genre. The importance of one's imagination and the dangers of the industrialization are two main themes and takeaways of the novel. Dickens reportedly used this his novel to offer com commentary on the horrors. ही हैड विटनेस्ड इन द फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड एंड द इशूज विद ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन पीपल ही वॉज नॉन टू यूज हिज नॉवल्स टू हेल्प शेड लाइट ऑन वेरियस सोशल कंडीशन एंड प्रॉब्लम्स के जो प्रॉब्लम्स जो कंडीशन इन्होंने अपने टाइम पर देखी उन सबको हाईलाइट करने की कोशिश की इन्होंने जो डीमिंग इफेक्ट थे इंडस्ट्रलाइजेशन के कोल्ड रिश्नेलिटी थी डिटेलिज्म की उन सब को हाईलाइट करने की कोशिश की इस नावल के अंदर जो नॉवल था वो इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशंस इमेजिनेशन और इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा था ठीक है यहाँ पे फीलिंग्स को इन्फोसाइज किया गया कि फीलिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं इमोशंस बहुत ज़रूरी होते हैं और इसी के साथ जो हमारा नोवेल था वो ख़त्म हुआ आई होप कि आपको उसकी स्टोरी क्लियर हो चुकी होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दुआ में खास याद केयर